हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक दवाई के बारे में बताऊंगा। एक जेल है, एक ट्यूब है जो मेरे हाथ में है, जिसको मैं आपको अभी पास से दिखाऊंगा और बताऊंगा ये किस काम में आता है। तो ये ट्यूब जो है, जनरली क्या है, घर में आपने देखा होगा, घर में महिलाएं काम करती हैं, बहनें काम करती हैं, तो उस समय क्या होता है, नॉर्मली खाना बनाते टाइम कभी क्या हो गया, कोई तेल की ड्रॉप जो है आपके हाथ पे गिर गई उनके, तो वहाँ पे जल जाता। तो जलने के बाद क्या होता है कि काफ़ी देर तक उसमें जलन लगती रहती है, या कहीं पर कभी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली हो गई, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, पटाखे बजा रहे होते, तो उसमें भी वो जल जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर कहीं पर किसी को कोई बर्न हो जाता है, बच्चा किसी चीज़ से जल जाता है, या कोई बंदा है वो उससे जल जाता है, तो उसको फिर वहाँ से डॉक्टर को दिखाना होता है। अब जब डॉक्टर को दिखाना है, तो घर से ले जाकर डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, आधा घंटा से 1.5 घंटा, 2 घंटा तक लग जाता है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहाँ पर्चा बनवाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। अब वो टाइम जो है, यानी कि 1.5 से 2 घंटे का जो टाइम है, वो जो होता है बहुत तकलीफ देह होता है, कि मतलब उसमें उतनी देर, मतलब जहाँ पर जल गया तो बहुत जलन महसूस हो रही होती है बंदे को। अब डॉक्टर के पास जाना है तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, वहाँ पे जाने में दिखाने में। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्यूब मेरे पास है जिसमें अभी पास से दिखाऊंगा, इस ट्यूब को जैसे ही कहीं पर जल जाता है दुर्घटनावश, तो आपको यहाँ उस जगह पे तुरंत लगा देना है। और इसका फायदा ये होगा कि विद इन 1 मिनट, जो मैं बोला ना, 1 से 1.5 2 मिनट के अंदर बिल्कुल उसको काफ़ी हद तक बिल्कुल रिलीफ लगेगा, लगेगा हाँ काफ़ी आराम मिल गया। तो ये मैं यूज़ कर चुका हूँ कि कई बार ऐसे वो बच्चों का कोई उंगली जल गई, किसी के हाथ पर चाय गिर गया, कभी किसी के दूध गिर गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उतने एरिया में लगा दिया और उसके बाद काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ जब आप इसे यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि जैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या ये इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैच कर रही है। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और इंस्टेंटली 1 से 2 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाएं और फिर आप डॉक्टर को दिखाएं, फिर जैसा भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बता रहा है वैसा ट्रीटमेंट आप करें, और डॉक्टर को बता दें कि हमने ये जो ट्यूब था ये हमने जलने के बाद तुरंत लगा दिया। तो ये आप फर्स्ट एड, जैसे अपने घर में बॉक्स बना के हम लोग रखते हैं जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं, तो प्राइमरी चीज़ में आप इसको भी ऐड करके रख सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है, तो बहुत अच्छा ट्यूब है। और बाकी मैं इसको दिखाता हूँ, और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है वो ट्यूब जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका नाम है बर्न ऑइंट, और इसके ऊपर 2 शॉर्ट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक भी लिखा सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोराहेक्साडाइन ग्लूकोनेट, और ये इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस आप इन 2 सॉल्ट को देख लें और किसी अच्छी कंपनी का ये ले लें। और दूसरा चीज़ मैं साइड से भी दिखा देता हूँ, इसमें इसकी थोड़ी कंपोजिशन लिखी हुई है कि इसमें कितना कितना परसेंट है सिल्वर नाइट्रेट, कितना परसेंट है, और इसमें दूसरा जो सॉल्ट है वो कितना परसेंट है इसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें ये जो चीज़ है इस साइड, इसके प्राइस भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 81.95 यानी 82 रुपये लिखे हुए हैं। तो अलग अलग कंपनी के प्राइस अलग अलग हो सकते हैं।